हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं बॉबी एक बार फिर से आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं आपकी अपनी शानदार सी क्लास में। एक ऐसी क्लास जो आपके सपनों की क्लास है, एक ऐसी क्लास जो आपको बहुत ही शानदार मोटिवेशन देती है, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको इस क्लास में मिलता है, एक बढ़िया कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन इस क्लास में आपको देखने को मिलता है। थोड़ी सी मेरी कमी है जिसकी तरफ से सबसे पहले तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के आप सभी से नतमस्तक होकर के क्षमा चाहता हूं कि मैं 15 जुलाई से इस चैनल पर क्लास में शुरू करने वाला था। क्या बच्चों, अभी से पहले तो आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरी बहुत ही बड़ी गलती हुई है। क्या कि मैंने बोला था कि 15 जुलाई से मैं इस पर लाइव क्लास शुरू कर दूंगा, लाइव क्लास। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 15 जुलाई से मैं लाइव क्लास शुरू कर दूंगा यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस की अब इस महीने में नहीं तो लास्ट महीने में वैकेंसी आपकी क्लियर हो गई है सरकार की तरफ, सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब बात यह है कि अब हमारे कई अनुसार हमने इवेंट भी बना लिया था, हम 7 बजे अपने स्टूडियो में भी आ गए थे, हमने क्लास को लाइव भी कर दिया था, सारा कुछ हमसे हो गया था। लेकिन पता नहीं कोई टेक्निकल, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, मेरे पास कोई स्टाफ तो है नहीं, इवेंट थंबनेल इवन लाइव वगैरह जो भी काम होता है क्लास चलाने के लिए वो सारा कुछ मैं ही करता हूं, ठीक है। मेरे पास अभी इतने पैसे तो है नहीं कि मैं स्टाफ लगा लूं, लोग 10-15 हज़ार महीने का वो सैलरी लेगा, ठीक है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं सारी चीज में सीख गया हूं, थंबनेल इवेंट बाकी सारा रिकॉर्ड वगैरह करना सब सीख गया हूं, बस मेरे से ना क्लास क्या नहीं हो रही है, लाइव नहीं हो रही है बच्चों। तो आपको जो असुविधा हो रही है मेरे वादे के अकॉर्डिंग, उसकी वजह से मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी आपसे प्रार्थना करता है कि मुझे माफ करें भाई, ठीक है। और बस मुझे 1 से 2 दिन का समय दें, 1 से 2 दिन में मैं सारी चीजें क्या कर जाऊंगा, सीख जाऊंगा। और जैसे मैं सीख जाऊंगा तो कल या परसों से तरसों से, मतलब 1 या 2 दिन में, मे बी परसों से जो है मैं क्लास आपको लाइव देने लग जाऊंगा, या तो 1-2 दिन में मैं खुद सीख जाऊंगा। अगर मैं नहीं सीख पाया लाइव करना कैसे करते हैं, तो फिर मैं एक बंदा रख लूंगा, एक लड़का रख लूंगा जो एडिटर भाई होता है, एडिटर रख लूंगा 4-5 दिन के लिए, जो भी 2-3 हज़ार रुपये वो लेगा एडजस्ट कर लेंगे उसे, रिक्वेस्ट करा करके, ठीक है ना। तो चूंकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहा हो, आप काफी ज्यादा बच्चे, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मेरा भरपूर साथ दिया है, जब से बच्चों को ये पता लगा कि बॉबी सर ने अपना चैनल बना लिया है और अपने चैनल पर ही सर पढ़ाएंगे, अब किसी और के यहाँ सर नहीं पढ़ाएंगे और अपने चैनल पर ही सर अपनी टीम रखेंगे, अलग से टीम रखेंगे, तब से बच्चों ने काफी सपोर्ट किया है। हालांकि कम किया है, लेकिन जितना किया है बहुत किया है। तो आपके भरोसे को मैं तोड़ना चाहूंगा, तो आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर दूंगा। जब तक मेरी चीजें ठीक नहीं होती, लाइव वाली चीजें ठीक नहीं होती, OBS में दिक्कत है, मेरी एक सेटिंग होती है लैपटॉप की, उस पर दिक्कत हुई है, ठीक है, जो मेरे को आती नहीं है, तब तक आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहा, इसलिए मैं आपको लाइव क्लास देता रहूंगा 15 मिनट की, आधा घंटे की, जितनी मेरे से होगी मैं आपको डेली 1 या 2 क्लास का देता रहूंगा, रिकॉर्डेड क्लास देते रहूंगा। देखिए, क्लास रिकॉर्डेड मिले या लाइव मिले कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको केवल पढ़ने से मतलब है। आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, अगर मैं आपको वीडियो अपलोड करा रहा हूँ, चाहे मैं लाइव वीडियो दूँ या मैं रिकॉर्डेड दूँ, मतलब तो पढ़ने से ही है। ऐसा तो नहीं लाइव आकर के आप डांस करोगे और डीजे भांगड़ा, डांस तो करोगे नहीं, आपको पढ़ना ही है। तो लाइव वीडियो देखो या रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देखो, आपको तो इवन पढ़ना है, और जब पढ़ना है तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, रिकॉर्डेड मिले या आपको लाइव मिले। तो पुनः आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, जब तक ये ठीक नहीं होती मैं आपको डेली रोजाना 1 से 2 वीडियो क्या दूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दूंगा, आप देख सकते हैं। और सारे साथियों से निवेदन है कि आपसे हमारी जो मैथ्स की जो क्लास है, ये हमारा खुद का अपना चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट और सहायता की आवश्यकता है, इस चैनल को बहुत बड़े लेवल पर लाख और मिलियन तक लेके जाना है, आप सभी के साथ की मुझे आवश्यकता रहेगी, ठीक है। अभी 2-4-5 दिन में इस पर अकेला क्लास करूंगा, ठीक है, और 2-3 दिन 4 जैसे सारी चीज़ें ठीक हो जाए, टेक्निकल चीज़ें ठीक हो जाएंगी और स्टूडियो हमारा पूरा बढ़िया तरीके से सेटअप हो जाएगा ना, तो हम आपके लिए हमारे इसी चैनल पर मैथ्स के अलावा रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर, हिंदी और साइंस, हर सब्जेक्ट की क्लासेस पर लगाएंगे, चाहे मैं अपनी जेब से कितनी सैलरी पे करनी पड़े टीचर्स को। हम यहाँ पर ऐसे टीचर्स हमारे पास जुड़ गए हैं जो कम पैसे हमारे साथ काम कर सकते हैं, क्या जो कम पैसे में हमारे साथ काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे टीचर हमने जोड़े हैं, कुछ उनका जिंदगी में एहसान रहेगा जो हमारे चैनल को चलाने के लिए आ रहे हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैथ्स के अलावा आपकी या हमारा अपना चैनल है, आपसे मेरी क्लास तो यहाँ पर होगी होगी और मेरे साथ आप लोग जुड़िए इसी चैनल पर, अब आपकी क्लास भी होगी गाई की, मैथ्स के अलावा रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर, सबकी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते, सभी साथियों को राधे राधे, नमस्कार एंड थैंक यू। सभी बच्चों से क्लास शुरू करने से पहले कहूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दे। ये वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो आप कमेंट्स करके बताओगे कि आपको सेशन कैसा लगा। तो आइएगा दोस्तों, चर्चा करते हैं आज की क्लास के पहले सवाल पर। आपका पहला सवाल क्या कहता है, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आज की ये जो क्लास आपको मैं दे रहा हूं, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं दे रहा हूं, क्या बेटा 2-3 दिन तक, जब तक हमारी चीजें ठीक नहीं हो रही तब तक तो हम क्लास क्या देंगे आपको, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, क्या
रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास देंगे, आप क्लास को एंजॉय करिए बढ़िया तरीके से, फिर क्लास एक दो दिन में ठीक हो जाएगी और एक दो दिन में हम इस पर सारे टीचर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके भाई चलिए, आज की जो वीडियो आपको मिलने वाली है, क्या आज का जो वीडियो आपको मिलने वाला है, आज का वीडियो, उस वीडियो में मैं आपके लिए कितने क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्या 10 क्वेश्चन करवाऊंगा अलग अलग टॉपिक से, मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक के 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाऊंगा। और जो 10 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर कराने वाला हूँ वो आपके लिए ग्रुप डी एंड आपके लिए यूपी लेखपाल एंड आपके लिए यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल एंड SSC, मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके ऑल एग्जाम को कंटेंट को देखते हुए, ठीक है ना, आपके आने वाली परीक्षा को देखते हुए जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस अब तक पढ़ाने का उस तरीके का, तो अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जो बढ़िया 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब कंप्लीट पूरे के पूरे मैथ्स में से टॉप 10 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ हर एक टॉपिक से। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैथ्स के जितने भी टॉपिक होते हैं पूरे मैथ्स में से टोटल 10 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और 10 क्वेश्चन की वीडियो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो 10 अलग अलग क्वालिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिएगा, सभी साथियों को नमस्ते, राधे राधे और भाई राम राम। आपका पहला क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात 4:5 था, ये आपका ए हो गया एंड ये आपका बी हो गया। सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे सवाल की फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग फोकस करेंगे और ध्यान देंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया माइनस के 4, 4 वर्ष पूर्व में ए और बी की आय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, तथा अब से 8 वर्ष बाद, तथा अब से 8 वर्ष के बाद इनकी आय का जो अनुपात है वो 11:13 क्या होगा, 13 होगा, क्या होगा 11:13 आपका क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 13×52, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 11:55। ध्यान देना मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहा हूं, ये 4 साल पहले का अनुपात है, ये 8 साल बाद का अनुपात है, हमने दोनों अनुपातों को कर दिया बजगुणा, बजगुणा कर दिया, अब करेंगे इनका अंतर बराबर, इन दोनों में कितने का अंतर है 11 और 13, सर 2 का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है 52 और 3:55, आपका 3 का अंतर है, तो इस वाले अनुपात में 2 का अंतर है, इस वाले अनुपात में 3 का अंतर है। ये अंतर कब आया, अंतर आया 8 और 4 12 साल के बाद अंतर आया, 4 साल तो पहले और 8 साल के बाद, तो अंतर कब आया 12 साल पर आया, तो जितने साल का अंतर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3×12 और 4×2 आपका 8, 4×2 क्या हो गया आपका 8 हो गया। सवाल कह रहा है क्या कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, इन दोनों की आयु कितनी होगी आपकी 9 होगी, 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, तो इन दोनों की आयु क्या होगी आपकी 72 होगी, इन दोनों की आयु क्या होगी 72 होगी, लेकिन पूछ रहा है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये आयु हमने कब की निकाली है 4 साल पहले की, तो 4 साल तो जोड़ देंगे ए के, 4 साल जोड़ देंगे बी के, तो इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 80 वर्ष आपकी हो जाएगी, ऑप्शन डी इट विल बी राइट आंसर। वैसे इन दोनों की आयु होगी 5 और 4 9 8 72 होगी, लेकिन 72 कब की है 4 साल पहले की है, हम वर्तमान की बात करेंगे, 4 ए के बढ़ेंगे और 4 बी के बढ़ेंगे, मतलब 80 साल इस सवाल का उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बढ़िया क्वालिटी का लीजेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। सवाल कह रहा है क्या, कोई राशि 3 साल में तो हो जा रही है 8,028, क्या कोई राशि 3 साल में तो क्या हो जाती है 8,028 हो जाती है, और 6 साल में क्या, 6 साल में क्या हो जाती है आपकी 12,000 आपका 42 हो जाती है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, समय कैसा है, समय आपका दुगना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर समय दुगना दे रखा हो, ध्यान देना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी भी राशि को दुगने समय पर उधार दिया जाता है किस पर, तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका प्रिंसिपल होता है क्या, ध्यान देना, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी राशि को दुगने समय पर उधार दिया जाता है तो उसका प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, उसका प्रिंसिपल निकालते हैं पहला धन 8,028 × 8,028 को दुगना कर देते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, बटे दूसरे वाले से क्या करते हैं भाग करते हैं, मतलब मैं ट्रिक लिख देता हूं कि प्रिंसिपल बराबर क्या होगा A1 × A1 / A2 क्या होगा A2, ठीक है ना। अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी भी राशि को दुगना किया जा रहा हो तो पहले वाली राशि को क्या कर देना, पहली वाली राशि को क्या कर देना, पहली वाली राशि को 2 बार गुणा कर देना, दूसरी से क्या कर देना भाग। ये ट्रिक आपके सामने है, अब कर लो इसको सॉल्व, ठीक है, करें सॉल्व। तो चलिए करते हैं, 9 ये कटेगा, 9 से काट दो इसको, ये संख्या आपकी 9 से कटने के लायक है क्या, जरा लग रही है आप लोगों को बताइए, ये संख्या कटने के लायक है बिल्कुल, ये संख्या हम काट सकते हैं, मैं ना डायरेक्टली कर देता हूँ सवाल को, कितनी बार कट रहा है पता लग जाएगा आपको, 8,028 / 12,042, 8,028 × 8,028 /
12,042, 5352। ये पूरी तरह कट रहा है कितनी बार, 5352 बार आपका कट रहा है, ठीक है ना। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि जल्दी में मुझे सवाल आपको कराना है, ठीक है। लेकिन आप जब घर पे कर रहे होंगे तब इस सवाल को क्या करना है, प्रॉपरली सॉल्व करना कि ये सारी चीजें आई कहां से, किस तरीके से आपकी जो चीजें ये बन के आई है, ठीक है। चलते आगे और अगले सवाल की चर्चा करते हैं। काफी बेहतरीन और काफी लीजेंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, जितनी तारीफ करें उतनी तो कमी है। सवाल कह रहा है क्या, ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2, 5 और 3 है। ये आपका ए है एंड ये आपका बी है और ये आपका सी है। यहां पर बात कर रहा दक्षता, और दक्षता का मतलब होता है उनकी काम करने की क्षमता से। ध्यान देना सवाल पर, क्या भाई, किसी व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता होती है उनकी दक्षता कहलाती है। बोर्ड पर ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति विशेष के जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, उनकी दक्षता कहलाती है। तो ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात दे रखा है 2:5 आपका 3, मतलब ए और बी और सी की दक्षता नहीं है, कार्य करने की क्षमता है। मतलब ए बी सी की जो कार्य करने की जो क्षमता है उन क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 2:5, 5:3। सवाल कह रहा है क्या, सवाल कह रहा है क्या, सवाल कह रहा है क्या, ये तीनों मिलकर के 27 दिन में काम कर देंगे। अगर ये तीनों मिल जाए तो काम को 27 दिन में कर देंगे। तो तीनों को मिला दो, 5 और 3, 8 और 2, 10, तो इन तीनों का जो टोटल काम हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। ये टोटल काम को 27 दिन में कर देंगे, तो 27 दिन में कितना काम कर देंगे, 270 काम कर देंगे। ये चीज तो पता लग गई भाई, ये तीनों मिल जाए तो कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। तो ये तीनों मिलकर के 27 दिन में काम को कर देंगे, तो 10 काम को 27 दिन में करेंगे, 270 काम करेंगे। अब ये तो पता लग गया काम करेंगे 270, लेकिन ये काम अब करना कैसे है, ये क्वेश्चन में करना है काम बी को और सी को, किसको, बी को और सी को दोनों को मिलकर करना है। कितना, 270 काम का 4/9 हिस्सा करना है। काम कितना आ गया, काम आ गया 270 आ गया, तो 270 काम का 4/9 हिस्सा करना है, किसको, बी और सी को मिलके। और बी और सी कितने है, बी और सी है यहां पर आपके 5 और 3 कितने हैं, 8 है। तो 8 का दे दो भाग, 4 × 2 = 8 और 9 × 3 = 27 और 2 से कट गए 15 बार। इसका मतलब है 15 दिन आपके सवाल का उत्तर है, 15 डेज इट विल बी राइट आंसर। 15 डेज इट विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। चलते हमारे अगले सवाल की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या करा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, 13,824 cm³ आयतन वाला एक ठोस घन है, ठोस घन है। तो मैं लिखता हूं क्या, ठोस घन का आयतन, ठोस घन का आयतन, ध्यान देना, ठोस घन का आयतन जो क्या होता है, एक ही होता है घन, ठोस कैसा भी हो घन तो घन होता है, और किसी भी घन का आयतन होता है उसका ए क्यू, ए का मतलब भुजा का क्यू। ये दे रखा है कितना, 13,824 दे रखा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 24, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, क्या 13,824 cm³ आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है। मतलब 13,824 को काटा गया है किसमें, ए क्यू वाले 8 में, 8 ए क्यू में काटा गया है। वास्तव में घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है, जो 13,824 है उसे 8 घनों में काटा है, तो एक क्यू कितने बनेंगे, 8 एक क्यू बनेंगे। इस संख्या को 8 से चटका दो फटाफट से, 8 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 8 × 1 = 8 और 5 = 58 हो गए 856, 12 हो गए 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 58, 856 + 2 = 12, 8 × 8 = 44 हो गए, तो नहीं कट रहा है 8 से, 8 घनों में काटा जाता है। तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीन छोटे घनों के पृष्ठ का कुल योग का अनुपात क्या होगा, 3 में काटा गया, इसका मतलब 8 में कहां काटा गया है, यहां पर 8 है यहां पर 3 है, तो यहां पर पहले तो 3 लिखो, पहले तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 3, गलत हो गया सवाल, हां गलत लिखा हुआ है। तो 13,824 किसके बराबर है, ए क्यू इंटू के 3 के बराबर है। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 × 6 = 12, 18 हो गए, 3 × 6 = 18 और ये हो जाएगा 3×8 = 24 बराबर क्या हो गया, ए क्यू, मतलब ए क्यू बराबर आपका 4608 है। अगर ए क्यू बराबर आपका 4608 है तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ए बराबर आपका क्या बैठेगा, ए बराबर आपका क्या बैठेगा, 4608 का घनमूल कर दो, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 2 और 2 नंबर छोड़ दिए, ये तो बात नहीं बन रही है, तो गड़बड़ी है। 13,824 में 8 का भाग करना जरा फटाफट, 13,824 में 8 का भाग करते, बिल्कुल संख्या कट रही है पूरी तरीके से, हो सकता है मे भी ये सवाल दो अलग अलग फॉर्मेशन में होगा, कोई नहीं, देखो जो
13,824 जो वैल्यू है घन है उसको 8 जगह काटा गया है, तो 8 इंटू ए क्यू में काटा गया है, तो 8 से कटेगा ये कितनी बार, 1728 बार। तो ए क्यू बराबर क्या हो गया 1728, तो ए बराबर क्या हो गया आपका 12 हो गया। मतलब जिसमें काटा गया जो पहले घन था, पहले जो घन था ठोस, उसकी तो ए दे रखी है 24, जब काटा गया है तो काटने वाली दे रखी है 12। सवाल पूछा गया है तो तीन छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात क्या होगा मूल घन से, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है 6a2। तो 6a2 अनुपात बताना है, 6a2 है मतलब ये 12 स्क्वायर से, लेकिन ये तीन है तो तीन का गुणा इसमें और कर देंगे, तो 6 से कट जाएगा 6, ये हो जाएगा 24 × 24 रेशियो ऑफ 12 × 12 × 3। छोटे घन आपके तीन से तीन का मल्टीप्लाई किया है, 12 × 24 और 12 × 24, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4:3 आपका 3 हो जाएगा, यही आपके सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका ए। बढ़िया सवाल था और बढ़िया तरीके से आंसर आ गया, मजा आ गया सवाल में, अल्टीमेट सवाल था। तो मैं कह रहा हूं इस वीडियो में आपको मैं 10 प्रश्न दूंगा, कितने 10 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, और 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछेगा। मेरा कहने का मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका आगे कोई भी पेपर है या कोई भर्ती देखनी है, कोई भी एग्जाम आपका आने वाला है, तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वालिटी के 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। आइए दोस्तों ध्यान देंगे अगले वाले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन है ए बी से 40% अधिक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए बी से 40% अधिक है, अगर बी आपका 100 है ये हो गया आपका 140 हो गया। आगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है क्या कि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, अगर ए की आय में 25% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगी 140 गुणे में 125 बटे में क्या हो गया 100, ठीक है। तथा बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ये हो जाएगा आपका 140, ये क्या 140 हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी की संयुक्त वृद्धि बतानी है, टोटल वृद्धि हमको बतानी है। चलो कैलकुलेट कर लो फटाफट इस सवाल को कैसे करेंगे, तो 25 × 125 = 100, 4 × 4 और 35 × 140 और 35 × 175, 175 प्लस की 140 करना जरा, टोटल वृद्धि कितनी की होगी, ये होगी आपकी 5, 7 × 4 = 11, 1 × 2 = 1 आपका 3, 315। यहां पर वैल्यू कितनी थी 240, तो संयुक्त वृद्धि दो, संयुक्त वैल्यू 240 थी जो 315 हो गई, तो वृद्धि कितनी की हो गई, फिर दोनों को मिलाकर वैल्यू 240 थी, अब ये 315 होगी तो वैल्यू हो कितनी गई ये तो बता दो, वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू हो गई आपकी 75 वृद्धि होगी, वैल्यू में 75 की वृद्धि होगी, कैसे 5, 7, 11, 75 की, हमें बताना है कि संयुक्त वृद्धि का परसेंटेज क्या होगा, तो 75 की वृद्धि हो गई जो कि 240 पर हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे काय का 100 का, 0 से कट गया 0, 2 से कटेंगे 12 बार, 2 से कटेंगे 5 बार, 3 × 4 = 12 और 25 × 3 = 75 और 25 × 125 बटे में अगर आप 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 और 2.5, 31.25 आपके सवाल का उत्तर, 31 पॉइंट आपका 25 होगा, क्या होगा बेटा 31 पॉइंट आपका 25 आपके सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। अगले सवाल को चेक कर लो फटाफट से, अगला सवाल है ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 135 है एंड ए बी बराबर 7 है, ए और बी दोनों 0 से बड़े हैं तो 1 − b³ का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए प्लस के बी का होल स्क्वायर खोल देता हूं, ठीक है आपसे 1 − b³ पूछा गया ना, ध्यान देना, अगर मैं ए माइनस के बी का होल क्यू खोलता हूं तो क्या आएगा, तो आएगा ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab एंड ए माइनस के आपका बी आएगा, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल क्यू का। अगर मैं यहां पर ए माइनस के बी का होल स्क्वायर खोल देता हूं तो ए माइनस के बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, गौर फरमाना मेरी बात पर मैं किस तरीके सवाल को टैकल कर रहा हूं, तो ध्यान देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 135 माइनस के 2 × ab का मान कितना दे रखा है 7, तो हो जाएगा 135 माइनस के 7 दुनिया आपका 14, तो 5 में 4 गए तो 1, 13 में 1 गए तो आपका क्या बचेंगे 12, तो a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर आपका 121 है, तो क्या a माइनस के b बराबर क्या होगा 11 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर को उठाएंगे इधर क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। अब इधर आ जाओ, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पर a माइनस के b का मान 11 रख दोगे तो ये हो जाएगा 11 का क्यू बराबर हो जाएगा ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3 × ab का मान आपका 7, ए माइनस बी का मान क्या होगा 11, तो 11 का क्यू क्या हो जाएगा 1331,
बराबर हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के, 11 7 77 प्लस 77 × 3 करोगे 321 और 2 23 231 हो गए आपके। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं तो 1331 माइनस के 231 बराबर क्या होगा, ए क्यू माइनस के क्या होगा बी क्यू, ठीक है। अब घटा दो, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 13 में से 2 गया, तो आपका 1100 बराबर क्या होगा ए क्यू माइनस के क्या होगा बी क्यू। उत्तर तो ये आ रहा है। अब देखते हैं कि हमने गलती क्या कर दी है, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 121 का वर्गमूल क्या होगा 11 होगा, और 135 7 × 14 ठीक है, 11 का वर्ग 13 से 31 होता है, 21 × 11 21 × 11 11 का 11 11 22 और 231 आ गया, 331 1100 बचेगा ए क्यू माइनस के बी क्यू, यही पूछा गया यार, आना तो 1100 चाहिएगा, लेकिन क्या मिस्टेक है ये तो समझ में हमारे में नहीं आ रही है। ठीक है ना, बी मिस्टेक कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है एक बार ये भी तो चेक करें पहले, तो गड़बड़ तो ये है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, ठीक है, ए 3 × ए बी का मान 7 − 3 का मान 11 आ गया था आपका, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, दया जी कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। एक तरीका ये भी होता है सवाल करने का, क्या कि ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस के बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के ए बी, एक ये भी तरीका होता है, पर इससे भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए स्क्वायर हमारे पास है, ए बी हमारे पास है, बी स्क्वायर हमारे पास है और माइनस ए बी हमारे पास है, तो फिर 135 में से 7 घटा दो, 135 में से क्या घटा दो 7 घटा दो, कितने बचेंगे 128, 128 का गुणा करेंगे ए प्लस के बी में तब जाके कोई उत्तर आएगा, तो 128 का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा हमको इसमें से, ये गड़बड़ है दया, कोई ना इसमें जो भी होगा एक बार हम चेक करेंगे, आप इसको ना रिजेक्शन में रखिएगा, इस सवाल को रिजेक्शन में हम एक बार इसको चेक करेंगे फिर किसी क्लास में कराएंगे। इसको देखिएगा, कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है अगर उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है, ध्यान रखना गति का मतलब क्या होता है चाल, गति का मतलब क्या होता है चाल होता है, अगर मैं उस गाड़ी की जो कार की जो चाल है, पहले चाल हमारी एक्स है, आगे चाल क्या होगी आपकी एक्स प्लस के 8 हो गई, ध्यान देना एक्स प्लस के क्या होगी 8 हो गई। अब आपको मैं बता दूं एक तरीका, जब भी किसी प्रश्न में चाल में वृद्धि की बात करेगा तो वहां पर दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालते हैं आपका स्पीड 1 × स्पीड 2 बटे स्पीड 1 − स्पीड 2 × टाइम, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, जब किसी प्रश्न में किसी चाल को बढ़ाया घटाया जाएगा, जब किसी प्रश्न में किसी चाल को बढ़ाया घटाया जाए तो दूरी बराबर होता है चालों का गुणा बटे चालों का अंतर इंटू में समय, तो दूरी कितनी दे रखी है 25 किलोमीटर बराबर चालों का गुणा एक्स इंटू के एक्स प्लस के 8 बटे चालों का अंतर कितना हो गया 8 इंटू समय का अंतर कितना हो गया आपका 10 हो गया। सॉल्व कर लो भैया जी इसको, ये हो जाएगा 25 × 200, तो 200 बराबर क्या होगा एक्स कोष्टक के एक्स प्लस के 8 इंटू के क्या हो जाएगा 10, कट गया और कट गया, मतलब 20 बराबर आना चाहिए एक्स इंटू के एक्स प्लस के 8 के। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, एक्स बराबर क्या होगा आपका 2, एक्स बराबर 2 आपके सवाल का उत्तर। सर आप डायरेक्ट कैसे कर दिया, बिल्कुल हमें इस संख्या को व्यंजक को इस बीज गणित के सवाल को सोल्व करके 20 लेके आना है, सिंपल सी बात है, एक्स का मान 2 रखूंगा तो 8 और 10 और 10 दूनी 20, एक्स का मान 2 रखने से इसकी उत्तर 20 आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, खत्म हो गया आपका सवाल आपकी नजरों के सामने से आ गया। अब इस सवाल पर आना, इसका आप सबसे पहले समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट, सबसे पहले समझना क्या इसका कॉन्सेप्ट, किस इसका कॉन्सेप्ट क्या पहले वो लिखा दो भाई, इसका कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर किसी भी सवाल में क्या ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू दे रखा हो और बराबर दे रखा हो 3 A, क्या दे रखा हो 3 A 3 A बी सी दे रखा हो, फिक्स है, तो हमेशा क्या होता है, तो हमेशा एक वैल्यू आती है, और वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होती है आपकी 0 आती है, क्या आती है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आती है 0 आती है। अब देखो ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू बराबर क्या होता है 3 ABC दे रखा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 0 होगा, तो रख दो बराबर 0 के, 2x + 7a + b 2x + 8
प्लस का सी, टू एक्स प्लस के थ्री बराबर किसके बराबर रख दो, जीरो के बराबर रख दो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे इस आंसर को। तो दो और दो चार और दो छह एक्स हो गए, प्लस तीन और आठ ग्यारह और सात कितने हो गए अठारह, बराबर क्या आ गया आपका जीरो आ गया। तो छह एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस के अठारह, छह से कटेगा तीन बार, एक्स बराबर क्या आ गया माइनस के तीन, माइनस के तीन आपकी एक्स की वैल्यू हो, फाइंड आउट वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जबरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पर आया, काफी उम्दार बेहतरीन आपका सवाल था, उम्मीद है आगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो ट्रेन है, दो ट्रेनों की गति का अनुपात, ट्रेन नंबर वन, ट्रेन नंबर वन और ट्रेन नंबर आपकी टू, इनकी गति, गति का मतलब क्या होगा चार, इनकी गति का अनुपात दे रखा है पांच अनुपात आपका सात। ठीक है, पहली ट्रेन तीन घंटे में 300 किलोमीटर जाती है, ट्रेन फर्स्ट, क्या ट्रेन, ट्रेन पहली, पहली ट्रेन 300 किलोमीटर जाती है तीन घंटे में, तो चाल क्या हो जाएगी 100 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर घंटे। तो पांच की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, कितने गुना 20 गुना, तो दूसरी वाली भी क्या होगी 20 गुना होगी, और 20 सत्तर 140, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी 140 होगी, जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या होगा फाइनली करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से। यदि n एक पूर्णांक है, अगर n एक पूर्णांक है तो n का मान क्या हो सकता है, एक हो सकता है, क्या पूर्णांक है तो n का मान क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले n का मान में क्या रखूंगा, एक रखूंगा। अब आज n का मान में एक रखूंगा तो क्या होगा, n का मान अगर मैं एक रखूंगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, छ इंटू के एक प्लस के तीन का स्क्वायर, मतलब छह कम छह और तीन नौ, नौ का स्क्वायर क्या होगा 81, और 81 को 9 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, जीरो बचेगा। पक्की बात है, ओके, अब मैं एन का मान क्या रख रहा हूं आपका, दो रख रहा हूं, दो रखूंगा तो क्या आएगा, दो रखूंगा तो आएगा छ इंटू के दो प्लस के तीन का स्क्वायर, मतलब छह दिन बारह और तीन पंद्रह, ये हो जाएगा पंद्रह का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225, इसमें नौ से भाग करेंगे 25 नंबर 225 पूरा पूरा चला गया, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा जीरो, मतलब दो नंबर एन का मान हमने एक भी रखे देगा दो भी रखे देगा, दोनों से उत्तर जीरो आया, इसका मतलब है आगे जितने ही मान रखोगे सबसे क्या आएगा जीरो, क्योंकि एन अगर एक पूर्णांक है तो एन का मान कुछ भी हो सकता है, आंसर बराबर आएगा, रिमाइंडर क्या होगा आपका जीरो होगा भाई। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब आपको देना होमवर्क में, इस प्रश्न का आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप ले लीजिए सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। एक बात आपको बता दूं, ये हमारा अपना खुद का चैनल है, बड़ी हिम्मत और हौसला करके हमने चैनल आपका बनाया है। अब मेरी मैथ्स की जो क्लास होगी रोजाना इसी चैनल पर होगी, अभी मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि अभी क्लास में मेरे को कुछ आता नहीं है लाइव वगैरह करना, तो मेरे को लाइव करना नहीं आ रहा, तो एक से दो दिनों में या तो मैं खुद सीख जाऊंगा या कोई लड़का हायर कर लूंगा एडिटर वगैरह भैया जो काम कर दिया करेगा, तो दो तीन दिन तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे डेली, आपको एक से दो वीडियो कम से कम रिकॉर्डेड डाला करूंगा। देखो रिकॉर्डेड मिले या लाइव, आपको तो पढ़ने से मतलब है, क्लास आपकी प्रॉपर चलेगी डेली डेली। ठीक है, फिर दो तीन दिन के बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर लाइव स्टार्ट हो जाएगी, जो कि रोज शाम को 7 बजे होगी। फिर दो तीन दिन के बाद ही हमारे इसी चैनल पर आपको हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ्स की, जीके जीएस की, साइंस की, करंट अफेयर की सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, बढ़िया टॉप फैकल्टी के द्वारा, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। जो बड़े बड़े नाम, कुछ बड़े बड़े नाम है, केवल बड़े नाम की वजह से बच्चे उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन बताता हूँ मेरा नाम बड़ा नहीं है, मेरा चैनल बड़ा नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मैं फ्री भी पढ़ाऊंगा ना, फ्री भी पढ़ाऊंगा तो उनके पेड कोर्स के जैसा पढ़ाऊंगा, जैसे वो पेड कोर्स बेचते और कोर्स पूरा नहीं कराते। और जब मैं पेड कोर्स अगर कभी बेचूंगा, जरूरत पड़ी मुझे बेचने की, तो वो कंटेंट आपको दूंगा जिसकी जिंदगी में तमन्ना किसी ने ना करी होगी, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरी अभी शुरुआत है, तो अपने आप को गिराना नहीं चाहूंगा मैं कम कंटेंट देकर के, वैल्यू पूरी दूंगा कंटेंट की पूरी टीम के द्वारा। ठीक है भाई, तो इसके ये क्लास आपको कैसे लगी, इस क्लास के बाद आप जब देखोगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जिन्होंने नए बच्चे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करिएगा और अपना सुझाव दीजिएगा क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, और आपके साथ की थोड़ी सी आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है ना, दो तीन बाद क्लास आपकी लाइव हो जाएगी एंड आपके टीचर्स भी सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इवन 18, 19, 20 तारीख से टीचर मिल जाएंगे, और एक दो दिन में परसों 17-18 तारीख से आपको वीडियो लाइव मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बताना सेशन कैसा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो बॉबी राजपूत महेश, क्या बेटा बॉबी राजपूत, इस तरीके से स्पेलिंग लिख लेना, बॉबी राजपूत महेश,
ये मेरी फेसबुक एफबी आईडी और इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो ये मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है। एंड ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 54 18 80 10। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पर मुझे मैसेज करिए, मुझसे पूछिए। अगर आप मैसेज से बात करते हैं, आपको मुझसे कॉल से कॉल पर बात करनी हो तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमसे बात कर लीजिए, हमें आपसे बात करनी है, हमारी टीम में से आपसे कॉल करके हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक इस नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।